राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने मंगलवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्थित वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाल संरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुमन शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं से काफी असंतुष्ट दिखी। उन्होंने वहां पर साफ सफाई की बदतर स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मचारियों को व्यवस्था सुधारने के लिए निर्देशित किया। महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने कहा कि महिलाओं को और उन्हें महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए निर्देश दिया गया है। चंद्रमुखी देवी ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बनेंगी तो कोई भी ताकत उन्हें पराजित नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी आवाज को दबाना नहीं बल्कि उठाना चाहिए, जिससे उन्हें न्याय मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने कहा, उनका विजिट करना, उनकी वस्तु स्थिति की जानकारी लेना, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या वो फेस कर रही हैं, इन सब की विस्तृत जानकारी लेकर हम उस पर आगे उनको सुझाव देते हैं, निर्देश देते हैं राज्य प्रशासन को भी और केंद्र सरकार को भी, ये सारी जानकारी देते हैं। तो अभी हाल में हमने एक वेबिनार किया था जिसमें यूपी के कुछ जिलों के साथ वन स्टॉप सेंटर के साथ मैंने बैठक की थी, जिसमें ये सेंटर इनसे भी बात की थी, लेकिन क्योंकि इस सेंटर का विजिट मैंने पहले नहीं किया था, इसलिए आज इसके विजिट में पहली बार, हाँ पहली बार वन स्टॉप सेंटर गोरखपुर का विजिट आज मैं पहली बार कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं आपके विजिट की? देखिए, हम जैसा कि आपको भी पता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का मतलब है कि संबंधित जितनी भी उनकी समस्याएं होती हैं उनके निदान के लिए हम किस स्तर तक कार्य कर सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता होती है। उसमें भी महिलाओं को त्वरित न्याय सम्मान के साथ मिले, क्योंकि प्रायः होता क्या है कि महिलाओं के मामले में जब आपराधिक मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गरिमा का हनन भी होने लगता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनका सम्मान भी सुरक्षित रहे, उनको त्वरित न्याय भी मिले, ये हमारी अपनी कोशिश होती है, ये कार्य हम करते हैं। इसके अलावा पूरे देश भर में महिलाओं से संबंधित जितने भी कानून बनते हैं उनका रिव्यू करना, उसमें नए सुझाव और फिर उसके अमेंडमेंट के लिए हम केंद्र सरकार को हमारी अनुशंसा जाती है, जिसके आलोक में फिर नए कानून बनते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारा क्षेत्र बहुत व्यापक है, महिलाओं से संबंधित, उनके उत्थान से संबंधित, उनके विकास से संबंधित ये जितने भी कार्य हो सकते हैं वो हम करते हैं। और क्योंकि हमारा दायरा पूरा हिंदुस्तान है, पूरे भारतवर्ष में हम कार्य करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हमारे मेंबर्स जाते हैं, अलग अलग टीम जाती है। तो क्योंकि गोरखपुर मेरे पास है इसलिए मेरा गोरखपुर आना हुआ, इसके पहले भी मैं आ चुकी हूँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज में और आशा ज्योति केंद्र जिसको वन स्टॉप सेंटर हम कहते हैं, वन स्टॉप सेंटर में पहली बार मेरा आना हुआ है। तो अभी मैं यहाँ देखूंगी कि यहाँ की स्थिति कैसी है और उसके बाद मैं अपनी रिपोर्ट अपने NCW को भी और केंद्र सरकार को भी ये रिपोर्ट सौंपूंगी, फिर इसमें जो सुधार की आवश्यकता होगी उसको हम चर्चा करेंगे। आज मेरी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक थी जिसमें SSP यहाँ उपस्थित नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में SP क्राइम जो है उनको भेजा था। उनके साथ हमने जो यहाँ लंबित मामले हैं NCW के उन पर चर्चा की और भविष्य में कैसे उनको समस्याओं का, हमारे केसेस का निष्पादन किस प्रकार करना है उसका कुछ डायरेक्शन हमने उनको दिया। एक बैठक मेरी उनके साथ हुई और दूसरी वन स्टॉप सेंटर का आज विजिट था मेरा, तो मैंने गोरखपुर के वन स्टॉप सेंटर का विज़िट किया। मैं संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि व्यवस्था सही नहीं थी। व्यवस्था बाकी सब सही हो सकती है लेकिन सफाई जो मुख्य होता है उसका, हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। बहुत बुरी स्थिति में मैंने वन स्टॉप सेंटर को पाया स्वच्छता के मामले में,
और महिलाओं को भी मोटिवेट जिस ढंग से करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग जिस ढंग से होनी चाहिए, उसमें कमी मैंने पाई है, तो मैं अपनी रिपोर्ट बनाकर दूंगी। लेकिन मैं वन स्टॉप सेंटर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने इन लोगों को ये डायरेक्शन भी दिया है कि अगर वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्था आपको देखनी है तो आपको एक बार लखनऊ जाना चाहिए और लखनऊ वन स्टॉप सेंटर का विजिट करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसको कैसे चलाया जाना चाहिए, समस्याओं का निष्पादन कैसे करना चाहिए, बाकी व्यवस्थाएं किस प्रकार दुरुस्त रखनी चाहिए, ये मैंने उनको डायरेक्शन दिया है। तो मैं आज के इस विजिट से संतुष्ट नहीं हुई, बाकी अब आगे कार्यक्रम हैं कई, तो उनका मैं करूँगी। बहुत योजनाएं चल रही हैं शासन की तरफ से, मिशन शक्ति भी चल रहा है, तो प्रमुख मिशन शक्ति के अभियान के साथ कोई वार्ता हुई है? नहीं, आज मिशन शक्ति पर कोई चर्चा नहीं चली, क्योंकि मेरा विजिट था वन स्टॉप सेंटर का, मैं वहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए गई थी, इसलिए मैंने बाकी चर्चा नहीं की, क्योंकि मैं वहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए बाकी किसी विषय पे मैंने कोई चर्चा नहीं की। मैंने आज केवल उन्हीं का वो निष्पादन कैसे कर सकते हैं, वो वहाँ पर सुधार कैसे कर सकते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, इसका मैंने डायरेक्शन उनको दिया है। मिशन शक्ति पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन आज मैंने, क्योंकि जहाँ पर महिलाओं को आकर रहना है वहाँ की व्यवस्था अगर सही नहीं है, उनको हम मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ठीक से उनकी काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा होना बेकार है, इसलिए मैंने आज उसी संदर्भ में उनको सारी जानकारी दी और इसी संदर्भ में वार्ता भी की। मैडम, बहुत महिलाएं हैं जो कानून नहीं जानती हैं, कानून तक नहीं पहुंचता और अपनी समस्याओं को लेकर घर में ही पड़ी रहती है, ऐसे महिलाओं से क्या कहें? नहीं, मैं बिल्कुल इसीलिए मैं बार बार चर्चा करती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ, जैसे अभी हमने यहाँ पर FM 90 लाउड स्पीकर के कार्यक्रम में मैं आई थी AD मॉल में, तो मैंने यहाँ पर भी इन लोगों को यही बताया, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी, मैंने उनको कहा कि एक तो अपनी आवाज़ को कभी दबाना नहीं, अगर आपके ऊपर कहीं अन्याय हो रहा है तो अपनी आवाज़ उठाना ये महिलाओं का पहला कर्तव्य होता है कि अपनी बात को उठाएं, और हम बैठे हुए हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो कई फोरम बने हुए हैं जहां आपको अपनी समस्या के लोग को लेकर जाना चाहिए, और वहां पहुंचकर आप अगर अपनी समस्या को दर्ज कराते हैं तो उसका निदान होगा, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए आपका मार्ग प्रशस्त होगा। तो मैंने ये डायरेक्शन दिया, और मैं आपके माध्यम से सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ जो जहाँ जिस क्षेत्र में हैं कि एक तो आगे बढ़ने का कोई अवसर न छोड़ें, वो जहाँ लगे कि हाँ वो आगे बढ़ सकती हैं तो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनको जितना जिस हद तक जाना पड़े जाना चाहिए, और सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े होकर स्वयं को सशक्त करना चाहिए ताकि हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकें जिस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं। और अगर कोई समस्या आती है, चाहे वो परिवार के अंदर ही कोई उनका दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो अपनी आवाज़ को कभी बंद नहीं करना चाहिए, अपनी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाना चाहिए ताकि शुरू में ही न्याय मिल सके। अगर आपने एक बार अपनी आवाज़ को दबा दिया तो भविष्य में फिर आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करने का अवसर शायद दोबारा ना मिले, इसलिए अपनी आवाज़ को दबाइए नहीं, अपनी आवाज़ को उठाइए, ये मैंने निर्देश दिया है। और मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद करना चाहिए ताकि उनको न्याय मिल सके।